क्या आप लिंक्डइन सही तरह से यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने बहुत पहले अकाउंट बना रखा है लेकिन अभी तक तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इंटर्नशिप रिलेटेड, जॉब रिलेटेड? तो आप डेफिनेटली कुछ गलतियां कर रहे हो। तो इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग एंड मेक श्योर कि आपको एक हायरिंग ज़रूर आए। सी फ्रेंड्स, देर इज़ अ फैक्ट, एवरी मिनट 3 हायरिंग होती है थ्रू लिंक्डइन। सो वॉट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग कि आपको एक हायरिंग नहीं मिल रही? सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल शिकुया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है ये एक मॉडर्न रिज्यूमे है जहाँ पे आप अपने डिटेल इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू लिंक्डइन? आपको चार चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको नेटवर्क बढ़ाना है। सेकेंड चीज़, आपको जो हेडलाइन है उसको मॉडर्नाइज करना है। थर्ड है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आपको थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स में बताऊंगी जो आपको रखने चाहिए एंड दैट विल अट्रैक्ट मोर एचआर्स टू योर प्रोफाइल। फोर्थ इज अ बोनस पॉइंट। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा सो दैट आपको वो बोनस पॉइंट पता चले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेटवर्किंग बढ़ानी है। और वो कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भी ड्रीम कंपनी है तो सबसे पहले तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना है, जैसे कि सीईओ हो गया या फिर कोई बॉस है तो उसको फॉलो करना है। सेकेंड चीज़, आपको कनेक्टेड रहना है एचआर के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप करना होगा विथ एचआर। और आप जो कंपनी के जितने भी एक्टिविटीज़ है, जो पोस्ट है उसको आपको लाइक करना है, उसको आपको कमेंट करना है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको चाहिए क्या। ओके, एंड उसके बाद जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनके साथ आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि उनको आपको कन्विंस करना है किस चीज़ के लिए, रेफरल के लिए। सी, लिंक्डइन में जॉब मिलना आसान है, बट द थिंग इज़ अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ में कनेक्शन बनाते हो तो वो उनको आप कन्विंस कर सकते हो कि आप मेरा रेफ़र करो, मुझे रेफ़र करो। जब कोई एम्प्लॉय रेफ़र करेगा एचआर को तो एक चांस आ जाता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। सी, जो एचआर है उसके साथ बस कनेक्ट करना या फिर फॉलो करने से ही कुछ नहीं होता है, आपको उससे थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप करना होगा। बट मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा शुगर कोट नहीं कर रहे या फिर उसको ज़्यादा बटरिंग नहीं कर रहे, क्योंकि एचआर आर स्मार्ट, दे विल अंडरस्टैंड इट। तो बहुत प्रोफेशनल वे में आपको बात करनी है। सी फ्रेंड्स, आप अभी एचआर जब आपके प्रोफाइल पे आ जाती है तो दो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होगा आपका हेडलाइन, सेकेंड इज़ अबाउट सेक्शन। अभी हेडलाइन में क्या होगा, हेडलाइन में बेसिकली आप वो चीज़ मेंशन कर रहे हो कि जो आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो आप टेक्निकल रिलेटेड बात कर सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो यू कैन राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आप कोडर हो तो यू कैन राइट कोडर, C++, जावा, पाइथन, इसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या डिफाइन करिए कि आप क्या करते हो, ठीक है? और आपको ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जैसे कि एचआर्स क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे सर्च करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर कोडर, जावा, C++, ऐसे सर्च करेंगे तो मेक श्योर कि वैसे वैसे कीवर्ड्स आपके हेडलाइन में मेंशन हो। अभी आता है अबाउट। अबाउट सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जहाँ पे आपको आपकी जर्नी मेंशन करनी होती है, लेकिन मेक श्योर आपको पूरा एक लिस्ट ऑफ पैराग्राफ या फिर दो तीन पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं और उतना ही लिखना है जितना नेसेसरी है, या फिर आपको लगता है वो चीज़ मेरे लाइफ में हाईलाइटेड है तो बस उतना ही लिखना है। एंड पॉइंट वाइज लिखो सो दैट एचआर विल बी हैविंग एन ईजी गो थ्रू ऑन योर अबाउट सेक्शन। जैसे कि आप अपने अचीवमेंट्स लिख सकते हो, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो वो लिख सकते हो, प्रीवियस जॉब में अगर आपका प्रमोशन हुआ है वो लिख सकते हो, या फिर आपने कोई बढ़िया स्किल सीखी है या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है तो वो लिख सकते हो। पॉइंट वाइज मेंशन करो, मेक इट श्योर इट इज़ सिंपल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सब चीज़ें मत मेंशन करो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जितना शॉर्ट एंड सिंपल होगा उतना जल्दी दे विल गेट टू नो व्हाट पर्सन यू आर। सो फ्रेंड्स, आपका जो लास्ट बोनस टिप है दैट इज़ एक्टिविटी एरिया। दैट इज़ लिंक्डइन में एक एक्टिविटी एरिया होता है जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो आपका ड्रीम कंपनी है उसके पोस्ट देखने हैं, यू नीड टू एनालाइज एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट डालनी है, और जो आपके बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपको पोस्ट डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोडर हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिलेटेड या फिर कोडिंग रिलेटेड आपको पोस्ट डालना होगा, या फिर नए स्किल्स के बारे में। एंड उसके बाद आता है आपका स्किल्स। सी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस जॉब जो आपने किया है
उसके स्किल्स आपको मेंशन नहीं करने हैं। जो फ्यूचर में आपको जॉब चाहिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल्स मेंशन करना है। बट मेक श्योर यू हैव ऑल दो स्किल इन यू। देन यू हैव एजुकेशनल पार्ट। अभी एजुकेशनल पार्ट में क्या हो जाता है, यूजुअली हम जो भी हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं या फिर हम क्लासेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम मेंशन करते हैं, लेकिन वी फॉरगेट टू मेंशन अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज जो हमने किए हैं। सो मेक श्योर आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कॉलेजेस के नाम के साथ साथ ये जो ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो यही थी आपकी लास्ट बोनस स्टेप। एंड हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने एक बेसिक प्रोफाइल के रिश्ते होनी चाहिए लिंक्डइन पे। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की रखी कर दी है। गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव मेंशन। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की और कौन सी वीडियोज़ चाहिए आपको। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।